हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आपका होस्ट स्वर्णिम गुप्ता स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेंड ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो भी एक मैच प्रिडिक्शन के ऊपर है। अगर आपने भी पहले वीडियोज देखी होंगी तो मैंने पहले भी मैच प्रिडिक्शन की वीडियोज बनाई थी। आने वाले सीरीज के ऊपर हम प्रिडिक्शन के मैच के प्रिडिक्शन की वीडियोज बनाते रहते हैं। आप चाहे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके, चैनल के अंदर जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारी बाकी की वीडियोस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जिस मैच के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट मैच। दोस्तों, आपको पता होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, जिसमें से दो टेस्ट मैच ओवर हो चुके हैं। अब थर्ड टेस्ट मैच की बारी है। थर्ड टेस्ट मैच में देखते हैं कौन जीतेगा, क्या रहेंगे, कोशिश करेंगी दोनों टीम्स। अब तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इंग्लैंड डोमिनेट करती हुई नजर आई है न्यूजीलैंड को। 2-0 से अब तक लीड कर रही है टेस्ट मैच की सीरीज में। इंग्लैंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, इंग्लैंड की टीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस टेस्ट मैच के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन, कब मैच है, कौन सी डेट को है, किस टाइम से स्टार्ट होगा, किन टीम्स के बीच में है, कौन कौन से प्लेसेस पे होगा ये मैच, और पिच रिपोर्ट कैसी रहती है, पिच बिहेवियर कैसा रहेगा, बैट्समैन के ज्यादा फेवर में रहेगी पिच या फिर बॉलर्स के ज्यादा फेवर में रहेगी। अगर बॉलर्स के ज्यादा फेवर में रहती है तो फास्ट बॉलर ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे या फिर स्पिन बॉलर ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे, वेदर कंडीशंस क्या क्या रहेंगे, टॉस फैक्टर क्या रहेगा, और हाईएस्ट स्कोरिंग अब तक के मैचेस टेस्ट फॉर्मेट में हर एक फॉर्मेट में कौन कौन से रहे हैं इस ग्राउंड पे, ग्राउंड के इन्फॉर्मेशन क्या है, ग्राउंड के की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ग्राउंड के रिकॉर्ड्स क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हाँ, लास्ट में आपको वीडियो में ये भी पता लगेगा आपको ड्रीम इलेवन की टीम बनानी पसंद है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं अगर आपको ड्रीम इलेवन की टीम में लेने हैं जो आपकी टीम को जिता सकते हैं, आपकी टीम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का जो ये मैच है, ये हमारा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड टेस्ट मैच खेला जाएगा स्टेडियम हेडिंगली लीड्स स्टेडियम पे। आपने इसका नाम सुना होगा, बहुत पुराना स्टेडियम है दोस्तों। इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो मतलब इस स्टेडियम का जो ओपन हुआ था वो 1890 में ओपन हुआ था। इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 17,000 पीपल्स की है। एक साथ 17,000 पीपल को बैठ के मैच दिखा सकता है। इस स्टेडियम को हम हेडिंगली ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। इसके जो एंड्स हैं वो है केक स्टॉल लेन एंड और फुटबॉल स्टॉल लेन। लोकेशन जो है दोस्तों ये लीड्स सिटी में लोकेटेड है इंग्लैंड की, और इसकी जो होम टीम है वो है यॉर्कशायर क्रिकेट क्लब। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्टेडियम में कुछ T20 स्टैटिक्स के बारे में या ओवरऑल स्टैटिक्स के बारे में। स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए कौन सी टीम कितना मैच जीती है, कितने मैच हुए हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम कितना मैच जीती है, स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है, क्या अब तक का हाईएस्ट स्कोर किसका है, एवरेज स्कोर क्या रहता है फर्स्ट इनिंग का, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ मैं। अगर T20 इंटरनेशनल की बात करें तो अब तक एक ही मैच खेला गया T20 इंटरनेशनल में, जो कि फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम एक ही मैच नहीं जीती है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 200 रन का है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो इंग्लैंड ने ही बनाया था 200 पे 10, और लोवेस्ट स्कोर जो है वो भी इंग्लैंड का ही है। और अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो स्कोरिंग पैटर्न आपको पता ही होगा, इस पे 190 से प्लस एक ही बार स्कोर बना, क्योंकि एक ही मैच हुआ है इस पे जो कि इंग्लैंड ने बनाया था 200 रन का स्कोर जो बनाया था। अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें वनडे इंटरनेशनल की, तो वनडे में अब तक 43 मैच हो चुके हैं इस ग्राउंड पे, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो है 17 मैच जीती है, सेकेंड बैटिंग करने वाली टीम जो 26 मैच जीत चुकी है। फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 233 रन का है। हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड की टीम ने बनाया था 351 पे 9 विकेट्स, और लोवेस्ट स्कोर भी इंग्लैंड की टीम ने ही बनाया था 93 पे ऑल आउट होके। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर 200 से कम का स्कोर जो है वो 14 बार बन चुका है। 200 से 250 के बीच का स्कोर जो है दोस्तों वो 11 बार बना है। 250 से 300 के बीच का स्कोर जो है 12 बार बना है। 300 से ज्यादा का स्कोर जो है वो 6 बार बन चुका है। दोस्तों इस ग्राउंड पे जो है बहुत सारे डोमेस्टिक लीग के मैचेस भी होते रहते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो अब तक इस ग्राउंड पे 56 मैच हो चुके हैं T20 डोमेस्टिक के, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जो है वो 34 मैच जीत चुकी है, और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है 21 मैच जीत चुकी है। एक मैच जो है वो टाई हो गया था। एवरेज फर्स्ट इनिंग का जो स्कोर है T20 फॉर्मेट में डोमेस्टिक क्रिकेट में वो है 178 रन। हाईएस्ट स्कोर जो है वो यॉर्कशायर टीम ने बनाया, जिसका होम ग्राउंड है, 260 पे 4। लोवेस्ट स्कोर भी यॉर्कशायर का है 82 पे 7। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर अब तक इस ग्राउंड पे 12 बार बना है। 150 से 169 का स्कोर 7 टाइम्स, 170 से 189 के बीच का स्कोर 18 टाइम्स, और 190 से ज्यादा का स्कोर इस ग्राउंड पे बना है 19 टाइम्स। यानी आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के मैच अगर देखना पसंद है इस ग्राउंड पे, तो आपको बेसिकली 190 प्लस एवरेज लेके ही चलना है। 190 प्लस डोमेस्टिक क्रिकेट में इसमें बनता ही बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेइंग स्क्वाड के बारे में, कि प्लेइंग इलेवन कौन कौन सी है टेस्ट फॉर्मेट में इन दोनों टीम्स की। पहले बात करते हैं इंग्लैंड के प्लेइंग
इंग्लैंड की प्लेइंग स्क्वाड के बारे में, तो इंग्लैंड की टीम में होंगे हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, एलेक्स लीस, जो रूट, बेन स्टोक्स, ओली पॉप, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, क्रेग ओवरटन और मैटी पॉट्स। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, तो न्यूजीलैंड के होंगे केन विलियमसन, हामिश रदरफोर्ड, हेनरी निकोल्स, डैरल मिचेल, डेवन कॉनवे, टॉम लैथम, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, अजाज पटेल, नील वैगनर और विलियम। दोस्तों ये थी इन दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 स्क्वाड के बारे में। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिच कैसी रहेगी, बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी या फिर बॉलिंग के लिए अच्छी रहेगी, मैं आपको बताता हूँ कौन सी टीम को ज़्यादा बेनिफिट होगा, कौन सी टीम के प्लेयर ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे। अगर पिच की बात करें तो दोस्तों पिच जो है इस ग्राउंड की वो फ्लैट है, ग्रीन है, तो बेसिकली इसमें फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी, फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी पिच रहेगी। विकेट बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने में भी थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट इनिंग में बैट्समैन के लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो है पिच पे जो है थोड़े से क्रैक्स देखने को मिल सकते हैं, इसकी वजह से स्पिनर्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बाद में, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, सेकेंड डे थर्ड डे पे जाएगा तो स्पिनर्स को आपका रोल देखने को मिलेगा, स्पिनर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। वेदर कंडीशंस की बात करते हैं इस ग्राउंड पे, तो दोस्तों वेदर कंडीशंस में प्रेसिपिटेशन के चांसेस है वो 1% है, ह्यूमिडिटी के चांसेस 72% के हैं, विंड की जो स्पीड रहेगी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहेगी और टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। अगर ह्यूमिडिटी 72% है यानी आपको ड्यू फैक्टर देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, तो ड्यू फैक्टर की वजह से टॉस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है और बैटिंग के लाइनअप पे भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन के फैंटेसी प्लेयर के बारे में, कि मतलब मैं आपको बताया था कि आपको स्टार्टिंग में ही कि कौन कौन से प्लेयर्स ऐसे होंगे दोनों टीम से, कौन से बॉलर्स होंगे, कौन से बैट्समैन होंगे जो आपकी ड्रीम इलेवन टीम में रखने ही रखने हैं, जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपको विन कराने के लिए ड्रीम इलेवन में या फैंटेसी कोई भी गेम में। अगर न्यूजीलैंड से बात करें, न्यूजीलैंड से आपको लेने हैं केन विलियमसन, क्योंकि उन्होंने 87 मैचेस खेले हैं, इनके रन 7289 7289 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका 52.82 का ही है, इनका टेस्ट करियर है एवरेज जो है 51.33 रन की है। उसके बाद है डैरल मिचेल, उन्होंने बस 11 ही मैच खेले हैं और इनके रन 776 रन, स्ट्राइक रेट 53.48 का और एवरेज 59.69 रन की। अब अगर इंग्लैंड की टीम से बात करो, तो इंग्लैंड की टीम में आप ले सकते हैं जो रूट को, क्योंकि इन्होंने 119 मैच खेले हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और रन जो है इनके वो 10,194 रन है, स्ट्राइक रेट जो है 55.12 का है और एवरेज जो है 49.97, लगभग 50 के करीब के एवरेज है। सेकेंड प्लेयर ले सकते हैं आप बेन स्टोक्स को, बेन स्टोक्स ने 81 मैचेस खेले हैं, 5237 इनके रन हैं टोटल, स्ट्राइक रेट जो है 57.94 का है, एवरेज जो है 36.37 की है। ये थे हमारे टॉप बैट्समैन, टॉप टू बैट्समैन दोनों टीम से, न्यूजीलैंड से भी और इंग्लैंड से। अब बात करते हैं टॉप टू बॉलर्स के बारे में। न्यूजीलैंड से जो बॉलर ले सकते हैं वो आप ट्रेंट बोल्ट हैं, जिन्होंने 77 मैचेस खेले हैं, 313 विकेट लिए हैं, उनकी जो इकोनॉमी है 2.98 की, बहुत ही कम की इकोनॉमी है। उसके बाद है टिम साउदी, इन्होंने 87 मैचेस खेले हैं, 343 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी जो है 2.99 की, लगभग ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की इकोनॉमी इक्वल ही है। अब इंग्लैंड की टीम से बात करते हैं, इंग्लैंड से आप ले सकते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को, 154 मैचेस में 546 विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी 2.94 की है, और जेम्स एंडरसन, इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, इन्होंने 171 मैचेस में 651 विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी इनकी 2.8 की है। तो दोस्तों ये थी इस ग्राउंड की पिच, इस स्टेडियम के फैंटेसी प्लेयर्स, इस ड्रीम इलेवन के फैंटेसी प्लेयर। अब बात करते हैं हाईएस्ट स्कोरिंग मैचेस कौन कौन से रहे हैं टेस्ट फॉर्मेट में, इस ग्राउंड पे कौन सी टॉप 10 टीम्स है जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है टेस्ट फॉर्मेट में, कितना स्कोर बनाया है, किस टीम के अगेंस्ट बनाया है, कौन से ईयर में बनाया है, वो मैं बताऊंगा। बात करते हैं अगर टेस्ट फॉर्मेट की, तो ऑस्ट्रेलिया है जो लीड कर रही है इस टेबल को, इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था इन्होंने 653 पे 4 विकेट्स पे डिक्लेयर किया था 1993 में। उसके बाद इंडिया ने बनाया था इंग्लैंड के खिलाफ 628 पे 8 विकेट्स पे डिक्लेयर किया था 2002 में। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है इस लिस्ट में, इंग्लैंड है और पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका है। दोस्तों ये 4 टीम्स हैं, ये 5 टीम्स हैं जो इस टॉप 10 की हाईएस्ट स्कोरिंग टीम्स हैं इस ग्राउंड पे, जो बनाए हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया टेस्ट फॉर्मेट में, ये 5 टीम्स ही लीड कर रही हैं इस पे। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको स्टेडियम के टॉस फैक्टर के बारे में, कि मतलब टॉस अगर होती है तो कौन सा कैप्टन टॉस जीत के पहले क्या चूज करेगा, बैटिंग चूज करेगा, बॉलिंग चूज करेगा, कौन से मैचेस में, और टेस्ट फॉर्मेट में, ओडीआई फॉर्मेट में, टी20 फॉर्मेट में अलग अलग चूज कर सकते हैं, ड्यू फैक्टर मेन रीजन हो सकता है टॉस चूज करने का, तो मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा। अगर टेस्ट फॉर्मेट की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट में फर्स्ट इनिंग में जो टीम जीती है वो 29 मैचेस जीती है, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जो है 32 मैचेस जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर
304 रन का, और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो 292 रन का है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिच रिपोर्ट में भी बताया था कि ये जो पिच है ये बहुत ही ज्यादा स्विंग करने वाली है, पहले बॉलर्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, सीमर्स के लिए। तो बेसिकली टेस्ट फॉर्मेट में जो है कैप्टन पहले बॉलिंग के लिए ही चूज करेगा, टॉस जीतता है तो पहले बॉलिंग चूज करेगा। अगर ओडीआई फॉर्मेट की बात करें, ओडीआई में अब तक जो मैचेस जीती है 18 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 26 मैचेस जो है सेकंड बैटिंग करने वाली टीम जीती है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 229 रन का और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 211 रन का। तो दोस्तों ओडीआई में आपको पूरा क्लियर हो रखा है कि मतलब कौन, अगर कोई कैप्टन टॉस जीतता है तो बेसिकली सेकंड बैटिंग के लिए जाएगा, क्योंकि सेकंड बैटिंग में टीम ज्यादा मैचेस भी जीती है और पिच भी बॉलिंग पिच है। अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो दोस्तों अब तक एक ही मैच हुआ है T20 फॉर्मेट में, तो एक मैच जो है वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, लेकिन जो है ड्यू फैक्टर की वजह से, ड्यू फैक्टर देखा जाएगा टेम्परेचर कैसा रहता है, ड्यू फैक्टर रहेगा नहीं रहेगा उसके ऊपर कैप्टन की टॉस जो है वो डिपेंड रहेगी। तो दोस्तों ये थी इस मैच की मैच प्रिडिक्शन, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड के थर्ड टेस्ट की मैच प्रिडिक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अलविदा।